सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को लेकर। आईआरबी इंफ्रा के अंदर आप लोग देखोगे आज हमें बिग फॉल दिखाई दिया। अभी 4% के करीब स्टॉक टूटा है और सभी के मन में यही डाउट है स्टॉक क्यों टूटा, जबकि अभी इसने मंथ अगस्त के जो अपनी रिवेन्यू टोल कलेक्शन के बारे में डिटेल जानकारी दी थी वहाँ पर 20% का जंप आया है। उसके बाद भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है अभी, तो कारण क्या है गिरावट के पीछे, सभी के मन में डाउट्स है। तो देखो मार्केट में जो माहौल बना हुआ अभी के टाइम वो एक अलग फैक्टर है जो स्टॉक्स के ऊपर, जो ये स्टॉक्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर अलग स्टॉक्स हो गए, सभी के ऊपर दबाव है। आज आपने देखा होगा मार्केट में कैसा माहौल बना। कल के दिन मार्केट में तेजी थी तो कई स्टॉक्स में तेजी थी, यहाँ पर भी हल्के फुल्के तेजी 1% के आसपास। सुबह इसमें भी हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी, बट उसके बाद स्टॉक जैसे ही गिरना स्टार्ट हुआ 4% तक यहाँ पर हैवी सेलिंग आई है। अभी आपके अगर खरीदारी के बारे में सोच रहे हो स्टॉक्स कोई अच्छी क्वालिटी के, तो भाई देखो बेल हो गया, इरेडा हो गया, ऐसी कंपनियों में के साथ साथ जो भी आईआरबी को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो। आईआरबी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छे मजबूत फाइनेंशियल, अभी ऐसा नहीं कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, लॉस मेकिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का शेयर है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। बट शॉर्ट टर्म में नहीं भाई, इसको अगले 1 साल के लिए अगर आप लोग होल्ड कर सकूँ तो ही पैसा लगाना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और अगले 1 साल के जो टारगेट्स इसके वेंचुरा की तरफ से भी 134 के दिए गए हैं, हम भी इसके 130 से 150 के बीच के टारगेट रख रहे हैं 1 साल के लिए। यहाँ से 1 साल आप लोग अगर होल्ड करते हो तो वहाँ तक स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक जाने के पीछे मान लीजिए जाता भी है तो लगभग 110-120% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं, बट चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए एक बार देख लेते, अभी एक खबर आई यहाँ पर, वो खबर क्या है उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे के लेवल। और स्टॉक में जो वॉल्यूम आई है लगभग 32.6 मिलियन, यानी कि 3,26,00,000 की वॉल्यूम आई है, हाई वॉल्यूम भी देखने को मिली है। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले खबर क्या है। खबर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी ने नोटिस पब्लिश की है, NSE BSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो। तो कंपनी ने क्या अपडेट दिया, अभी क्रिशल रेटिंग को लेकर अपडेट दिया। तो क्रिशल ने कैसी रेटिंग रखी है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी क्रिशल ने जो रेटिंग रखी है, टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज़ है 1700 करोड़ रुपये तक की रखी है, और जो आप लोग रिड्यूस किया गया है अभी 2200 करोड़ से, तो 2200 करोड़ से जो टोटल बैंक लोन फैसिलिटी है वो कम किया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे ये भी एक कारण हो सकता है अभी इसमें आज के पीछे दबाव का। दूसरा आप लोग देखो अभी लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है क्रिशल ने AA- रखी है जो कि स्टेबल है, और शॉर्ट टर्म जो रेटिंग है वो आप लोग देखोगे क्रिशल A1+ रखी है, जो ये भी आप लोग रिफॉर्म्ड ही है, ठीक है। 258 करोड़ के NCD रिगार्डिंग आप लोग देखोगे अपडेट है, तो इसके लिए भी आप लोग देख सकते हो भी क्रिशल AA- की स्टेबल रेटिंग रखी है भाई। तो इस रेटिंग के पीछे का मेन मकसद क्या है, मेन रीज़न क्या है, तो इस रेटिंग के पीछे का मेन रीज़न ये है कि कंपनी अगर आगे चाहे तो जो लोन वगैरह है ये ले सकती है, कंपनी को इतना लोन मिल सकता है, तो ये कंपनी ने यहाँ पर जानकारी दी है भाई, ठीक है। और इसके जो NCD के थ्रू जो भी इन्होंने जुटाए थे वो अभी टाइम जो ना अभी 258 करोड़ के आसपास NCD से जो ना अभी कंपनी रेज कर सकती है विड्रा, तो ये सारी चीज़ें भी चलिए एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट। अब तो यहाँ पर देखोगे भी IRB का जो चार्ट वगैरह है इसके ऊपर जिसको रिस्क नहीं लेना था उनके लिए 60 रुपये 40 पैसे का सपोर्ट था, पीछे भी बताया था भी, इसको तो स्टॉक नीचे में काट चुका है, और इसके नीचे में अगर स्टॉक सस्टेन किया है अभी आज के दिन तो ये कहाँ तक गिर सकता है। तो यहाँ से आप लोग अगर स्टॉक में फॉल हुआ तो ये आपको पहला जो मूव नीचे में दिखा सकता है भाई 57, और इसके बाद जो अगला रहेगा भी वो तो आपको ये 50-53 के आसपास जाते हुए नज़र आ सकता है। बट जिसके पास है होल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्गली डाउन ट्रेंड स्टॉक में ऊपर से बन रहा है भाई आपके सामने है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन किया तो फिर से स्टॉक जो ना अभी 60-65 से 70 उस लेवल पर जाएगा, बट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है अभी के टाइम ये, देखते भी आगे कैसा क्या माहौल बनता है। और बाकी जो कोई खबरें आएंगे वो आपके साथ साझा करते रहेंगे, और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है कमेंट कर देना, लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।